मेरे को दस साल हो गए यहाँ अब तो अच्छा होगा पारी दस साल पहले तो ऐसा ही था बहुत गंदगी अभी गंदगी तो हमारे तो आता है जाता है गंदगी होने अभी तो यहाँ तो हम दो करते थे पानी देते हैं कचरा साफ करते हैं पेड़ों का खड्डा खोदते सास नगर के लोग सहयोग करते हैं सुबह सुबह जैसे कोई कचरा होता है या कोई थैली पन्नियाँ होती है तो वो खुद ही कई लोग बुजुर्ग लोग हैं उठाते हैं और कई लोग न सेड़ी आते हैं वो कर जाते हैं लेकिन वो महिलाओं का और कई महिलाएं घूमने आती है वो भी स्वच्छता अभियान का में योगदान देती है भाई पार्क गंदा नहीं रहे और हम भी मैं भी साठ पार्कों को सुपरविज़न का काम करता हूं और महिलाएं हर पार्क में दो दो महिलाएं एक एक महिलाएं लगा रखी है और पूरे दिन नौ बजे से पाँच बजे तक वो सफाई अभियान में सहयोग करती है और काम करती है पूर्ण संतुष्ट लोग संतुष्ट होते हैं उससे नहीं मोदी जी आए हैं जब से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है स्वच्छता अभियान भी अच्छी तरह चल रहा है अब पार्कों में तो सफ़ाई होती है गलियों मोहल्लों में भी लोग बाग अपने खुद पंजियाँ लेके झाड़ू लेके सफाई करते हैं देखो घर घर कचरा नगर निगम ने ऊपर लगा रखे हैं और ये जो पार्कों में ठेकेदार हैं इन्होंने भी ट्रोलियाँ पहले कभी हमने देखा नहीं था मोदी जी आए जब से पार्कों में ठेकेदारों ने ट्रोलियाँ लगा दी है ट्रोलियों से कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं हम और कचरा इकट्ठा करके ट्रोल भर के तीन चार आदमी को लगा के औरतों को लगा के और कचरा उठवाते हैं ये इसको हमारे कई जगह पत्ते वगैरह होते हैं ये पेड़ों के कटिंग वगैरह होती है इनको हम खाद बनाने की मशीनें लगा रखी है पार्कों में नगर निगम के तो वो उसमें खाद बनाते हैं और वो पेड़ पौधों में भी खाद बना के उसमें अच्छी तरह थैलियों पैक करके और वो खाद हम पेड़ों में डालते हैं नहीं बहुत फ़र्क पड़ा है इससे बहुत अस्सी परसेंट फर्क पड़ा है अस्सी परसेंट जनता के समझ में आ गया भाई पार्कों में सब पार्कों में गलियों में मोहल्लों में सफाई रहनी चाहिए सफाई रहेगी जब भी हम बीमारियाँ नहीं होएगी और जैसे नालियों में पहले कचरा पड़ा रहता था अब दस साल से मोदी जी ने अफसरों को लताड़ रखा है और वो पूरे छः बजे सारे नगर निगम के अफसर वगैरह मोहल्ले वाले सब लग जाते हैं भाई हमारे को सफाई चाहिए हमारे को सम्मान भी मोहल्ले वाले संस्था वाले कई हमारे को सम्मान करते हैं जैसे पार्क में काम करती है इनको कई बार साड़ियाँ भी देते हैं मिठाई भी देते हैं कई हमारे को भी पे, साफा पहना के सम्मानित करते हैं मेरे को भी कहीं समाज रतन की उपाधि मिली हुई है कई जगह पे मिठाई वगैरह देते हैं सफाई करवाने के लिए कोई भी काम होता है मफलर वो क्या बोलते हैं दुपट्टा उड़ाते हैं सफाई हमेशा सफाई रहनी चाहिए हम तो ये चाहते हैं मोहल्ले वाले भी ये चाहते हैं भाई सफाई रहे तो आपको घूमने में फिरने में भी दिक्कत नहीं होती है अब आप ये पार्क का देख लो आप आपको कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा हाँ पेड़ों का थोड़ा बहुत जो ये पत्ते जड़ते हैं इनका कचरा तो आपको मिल जाएगा लेकिन और कचरा नहीं मिलेगा आपको सब समझ देव सफाई भी करा जाए पानीपात भी देवा चाहें ठावड़ा भी बनावा जाए हमारा सुप्राई प्रकाश जी ये हमारे को न समझ बैठे तो प्रकाश जी कराता है हमारे को खेके तो हम साफ़ सफाई करते हैं इन्हें बैठता है जो भी बोलता है कि ये धोनी औरत बहुत काम करती है पहले जो ये इसमें बहुत गंदगी रहती और अब मेरे को गया बाद ने साफ़ सफ़ाई रब लग गई साफ़ सफाई में पहले तो क्या हमारे को डिपो पे डालने जा, जाना पड़ता था कचरा वचरा अब तो हम पार्कों में डालते हैं तो फिर ट्रोली भर के वो ले जाते हैं कचरा वचरा और उससे फिर क्या खाद वाद बनाते हैं और हमारा काम पेड़ पौधे लगाने का है जैसे पेड़ों की कटाई छटाई होती है उनको बाहर डालने का है दो कटिंग होती है उसको साफ़ सफाई करना है पानी लगाना है पेड़ों में ये काम हमारा है पहले कॉलोनी वाले इतने जागरूक नहीं थे तो वो भी पार्कों में कचरा वचरा डाल देते थे अब अपने हमारे पार्कों में भी डस्टबिन वगैरह लगा रखे हैं तो फिर उनमें ही कचरा डालते हैं फालतू की गंदगी नहीं करते हम साफ़ सफाई में जैसे ये अब आप फुटपाथ की है क्यारियों की है पेड़ पौधों की साफ़ सफाई है ये लोन कटिंग का हेज कटिंग का जो काम होता है उसकी साफ़ सफाई है ये काम करते हैं नहीं हम अलग अलग वैसे ज़्यादा काम होता है जैसे बड़े पार्कों में तो इधर उधर जाते हैं नहीं तो हम जैसे हमारे सिविल लाइन के पंद्रह सोलह सोलह सत्रह पार्क है उन्हीं में ही काम करते हैं हम अलग अलग जैसे हमारी टीम है तो वो सब अलग अलग पार्कों में काम करती है हाँ स्वच्छता सेवा अभियान में हमारी टीम जैसे भी हमारे को होता है तो पार्कों का भी करते हैं और इधर उधर बुलाते तो भी जाते हैं नहीं पैसा तो देते ही हैं ठेकेदार नगर निगम से जो काम कराते हैं तो पैसा तो देते ही है नहीं दस साल से तो बढ़िया है पहले पेड़ पौधों के लिए भी जागरूक नहीं थे लोग बाग अब तो भाई सभी को कोरोना के बाद में सबको पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण महत्वता भी हो गई सबको तो वो साफ़ सफाई में पेड़ पौधे लगाने में सब अपने जन्मदिन पे है कोई शादी की सालगिरह पर है पेड़ पौधे भी लगाते हैं और पहले पार्कों में इतनी हरियाली नहीं थी अब पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं वह सब जागरूक हो गए तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा हो गए हाँ नहीं अब तो घरों में भी आती है गलियों में भी साफ़ सफाई होती है जैसे सकरी गलियों में पहले साफ़ सफाई नहीं होती थी अब होती है हाँ खाद खाद पीसने की मशीन लगाई हुई है जैसे हमारे पार्कों का जैसे पत्ते वगैरह का कचरा होता है उसकी खाद की खाद बनती है फिर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पहले इतना नहीं था अब सब जागरूक है